हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक एडिटोरियल डिक्टेशन लेके आई हूँ, जिसकी सबसे पहले मैं आपको स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी। जो स्मार्ट आउटलाइंस होती हैं हमारी, वो हमारी डिक्टेशन का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली लिखना चाहते हैं तो उस समय पे आपका जो टफ वर्ड होते हैं ना, उन पे आपकी शार्प पकड़ होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी स्मार्ट आउटलाइन बताऊंगी, आफ्टर दैट मैं आपको ये पूरी डिक्टेशन लिख के दिखाऊंगी और उसके बाद हमारा कंसेप्ट चलेगा डिक्टेशन का। तो ये जो कंसेप्ट आपका चलेगा, इसमें आपको स्मार्ट जो टफ वर्ड है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम डिक्टेशन लिखेंगे पूरी, तो उस समय पे एडवांस आउटलाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस कौन सा शब्द कैसे बनाना है आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड इन लास्ट जब हम डिक्टेशन देंगे, तो डिक्टेशन लिखते समय भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, जिससे कि आपको अच्छी स्पीड में डिक्टेशन लिखने की हैबिट पड़ेगी। ये डिक्टेशन लेवल्स 40, 60, 70, 80, 90 और 100 तक की स्पीड के होंगे, ताकि हर लेवल का स्टूडेंट उससे उससे बेनिफिट ले सके और उसको यूटिलाइज कर सके। तो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स किस तरह से बन रहे हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड से रिलेटेड डिक्टेशन है, जो कि हमारे देश ने अभी कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह पे वर्क हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन रही है ये। सबसे पहला वर्ड है हमारा वैज्ञानिक। देखिए, विज्ञान शब्द जब हम लिखते हैं तो वा को शॉर्ट बनाते हैं, ये ज्ञा न और इसी में का की व्यंजन रेखा ऐड कर देंगे, वैज्ञानिक। और अकॉर्डिंग टू अगर प्लेस कहूं तो ये अबव द लाइन बनाओगे आप, ठीक है। अबव द लाइन बनाने का रीजन ये है क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है और ए हमारी फर्स्ट प्लेस की साउंड है, इसलिए हमने इसको अबव द लाइन बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमारा शब्द आता है वजह। तो देखिए, ये व बना, ये जा बना और यहीं से हमने ये बड़ा सा जो सर्किल बनाया, क्योंकि स्वा का सर्किल कभी भी लास्ट में नहीं आता है, हमेशा शुरू में आता है। तो ये वजह के लिए हमने लास्ट में इसका बनाया। बनती है, बा का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बनाया, ना का व्यंजन रेखा बनाई, ता की व्यंजन रेखा और इसी में है ऐड कर दिया, बनती है। अब शब्द है कामयाब, ये भी अबव द लाइन लिखा जाएगा, कामयाब या का, ठीक है। गोपनीय, गा की व्यंजन रेखा, पा की व्यंजन रेखा, ना और इसी में हमारा या शॉर्ट फॉर्म में ऐड हो जाएगा, इस तरह से गोपनीय, ठीक है। और ज्यादा क्लियर करना है तो ओ की मात्रा हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि मात्राओं को हटाना अकलमंदी नहीं है, उनको इस तरह से लगाना अकलमंदी है कि हम जब भी पढ़ें हमारी एक्यूरेसी का जो टारगेट है वो बहुत अच्छा रहे, ठीक है, और हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इस तरह से गोपनीय शब्द लिखा। इसके बाद वर्ड है आपका वाजिब। वाजिब हमारा शब्द चिन्ह आता है, वाजिब, वेजा, वजह। तो वाजिब में वा में जा की व्यंजन लिखा वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अंतरिक्षयान, तो अंतर के लिए ये बड़ा ना की व्यंजन रेखा बनाया, इसमें पूरा अंतर आ गया। क्ष के लिए छा बनाया और या यहीं से ऐड करके ना ऐड कर दिया, तो बन गया अंतरिक्षयान, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हमारा डिफाइन हुआ। इसके बाद देखिए शब्द आता है पृथ्वी। तो प्र, पामेर, थ और वी। अब वी जब हम बनाएंगे तो एक तो हम इसको थर्ड प्लेस पे यहाँ पर वा का साउंड लगा सकते हैं, वा बना के, एक तो ये फॉर्मेट हो सकता है, नहीं तो क्योंकि ये शब्द ऐसा है बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, तो हम इसको पूरा बना के और इसको अच्छे से पढ़ पाए वो ज्यादा जरूरी है। तो पृथ्वी इस तरह से लिखोगे आप, स्थापित किया है, तो इस्त का चाप बना के स्थापित किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका वर्ड आता है इस्तेमाल। इस्तेमाल हमेशा थर्ड प्लेस पे, इस्त का चाप बनाएंगे, इस्त का मा में बनाएंगे, ठीक है, और ला की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, इस्तेमाल शब्द इस तरह से बनेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद लिखा है किया जा सकेगा। तो देखिए कम क्या किया का शब्द चिन्ह है,
जा सकेगा इसी में ऐड कर देंगे, किया जा सकेगा। इसके बाद शब्द आता है हमारा पूरा कर चुका है। अब देखिए पार पूरा परसों, तो हम उसी तरह से लिखेंगे इसको, देखिए है ना, पार पूरा परसों शब्द चिन्ह है हमारा, तो पूरा का जो शब्द चिन्ह है उसको ही लिखेंगे हम। तो कैसे लिखा, पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका है, ठीक है। निश्चित न स च और ता, इसके बाद शब्द आता है आपका प्रयोग। इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं किया हमने, पूरा बनाया है, पा में रा का हुक ऐड किया है, या की व्यंजन रेखा है और गा है, प्रयोग, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे इसको। इसके बाद हमारा शब्द आता है अमेरिका। अमेरिका ऑलरेडी हमने पिछली कई डिक्टेशंस में बनाया है, और जिसको मैं सिंपल इसी फॉर्म में एफ द लाइन बनाती हूँ, ठीक है। इसके बाद शब्द है आपका चिंता की बात ये है, तो ये पूरा एक एडवांस आउटलाइन है। एडवांस आउटलाइन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब आपका हाथ फ्लुएंटली चलेगा। तो देखिए कैसे लिखा हमने, हमने लिखा चिंता, ठीक है। तो चिन ये चा की व्यंजन रेखा, न ता की बात, यह है कि, इसी में ऐड हो गया चिंता की बात, यह है कि। शब्द है हमारा अमेरिकी यान, तो देखिए अमेरिकी यान, यान के लिए या और ना ही ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। अंतरिक्ष यान लिखा था तब भी हमने या और ना ऐड किया है, अमेरिकी यान लिख रहे हैं तब भी हम, बस दो मार्क जरूर लगाएंगे ताकि ये शब्द क्लियर रहे आप। अब देखिए कभी भी शब्द आता ना बोइंग एक्स, अब इस तरह के वर्ड लिखने में एक्स लिखेंगे तो क और सा ए की मात्रा बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम वही फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। देखिए बोइंग के लिए, इंग के लिए ये विदाउट गैप वाला आ गया एक्स 37B, ये लिखना हमें बहुत इजी होगा, या कि हम ये लिखें कि बोइंग एक्स, ठीक है। 37 अगेन हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा बी, तो इस शब्द को लिखने की अपेक्षा हमें ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शब्द लिखा हुआ है बताया जा रहा है, तो बताया का शब्द चिन्ह हमने बनाया, जा रहा रही रहे के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया। निर्माण, शुरू में रा का हुक है, लास्ट में ना का हुक है, ठीक है। अभियान, भा की व्यंजन रेखा, यान के लिए हमने ऑलरेडी पता ही रखा है, वही यूज होगा अभियान। अब देखिए शब्द है हमारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए यूरोपीय में ये बना हमारा यूरोपीय, बनाया नीचे दो मार्क किए ताकि पता चले कि ये किसी जगह का नाम है। इसके बाद हमने लिखा स्पेस एजेंसी, ठीक है, इस तरह से हम इसे पूरा बनाएंगे, स्पेस एजेंसी। साका व्रत, पाकी व्यंजन रेखा, साका व्रत, इसी से मिलाते हुए जा, नाका हुक और स, एजेंसी वैसे भी हम लिखते हैं तो यही बनाते हैं एजेंसी, अबव द लाइन, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए शब्द है हमारा विशेष, तो ये वा का शॉर्ट फॉर्म हो गया, सा की पूरी व्यंजन रेखा बनाई और सा का व्रत बनाए, विशेष। सॉरी अंतरिक्ष आन फिर से आ गया, कोई नहीं, हम फिर यहाँ पे इसको वर्क करेंगे। तो अंतरिक्ष यान, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा उत्तर पश्चिम, तो देखिए उत्तर के लिए पूरी व्यंजन रेखा बनाई हमने और यहाँ से पश्चिम, उत्तर के लिए पूरी ताकि व्यंजन रेखा को डबल किया तरदर के लिए, ठीक है। अब ये आपका वर्ड है जिक वुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे हम, देखिए जा की व्यंजन रेखा या वा के लिए क्वा वाला बनाया और ये न, ये बड़ा बनेगा ये छोटा बनेगा, जिक वुआन सैटेलाइट, सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड बनेगा पूरा, जिकवान सैटेलाइट सेंटर, बड़ा वर्ड है और कंबाइंड भी हुआ है, तो आप जब तक इसको प्रॉपर सेपरेट प्रैक्टिस में नहीं लेंगे आपका हाथ नहीं चलेगा। और फिर ये ऐसे वर्ड हैं वो जो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं डिक्टेशन, पर्टिकुलर डिक्टेशन, अभी एग्जाम में आप जा रहे हैं वहां किस तरह का वर्ड आएगा आपको नहीं पता, अगर यही क्लियर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बट
ये क्लियर नहीं होता है कि एग्जाम में किस तरह की डिक्टेशन बोली जाएगी, तो उस समय पे हमें हर तरह के शब्द पर हाथ को चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद वर्ड आता है आपका परिक्रमा। परी थर्ड प्लेस पे डिफाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से, परिक्रमा, ठीक है। महारत, मा में हा का व्रत, रा में त, या तो ऐसे लिखिए या महारत, इसको छोटा कर दिया। ये कभी कभी पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है कि किस लिए छोटा किया था, तो तब हम यहाँ पर ता का हुक लगा देते हैं, ठीक है, ताकि शब्द क्लियर बने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शब्द हम बना रहे हैं वो हमें क्लियर हो। इसके बाद आपका शब्द है हासिल करना, तो देखिए हासिल करना। उपग्रह, ये लाइन आ गई उपग्रह। अव्वल, तो हल्का सा डैश आ के लिए वा और ला, अव्वल। तकनीकी, छोटा सा ता छोटा सा ना। किया जा सकेगा, तो देखिए किया जा सकेगा। मकसद, म छोटा किया सा और द, मकसद, ठीक है। कुछ कुछ, तो देखिए कुछ कुछ डबल हो रहा है इसलिए। समय, ओके, समय का हमारा शब्द चिन्ह है, इसी को हल्का नीचे लेके के लिए, समय के लिए। संभव, तो सा और मा और हल्का छोटा सा वा, संभव। इसी का अगर हमें असंभव लिखना हो, यही मैं बता देती हूँ आपको, तो कैसे लिखेंगे आप, इसको हल्का सा बाहर निकाल देंगे और इसी में वा जुड़ जाएगा। पूरी कर चुके हैं, तो कैसे लिखा हमने, ये हमारी लाइन आई पूरी कर चुके हैं। भरमार, भा में रा का हुक, मा में रा का हुक, भरमार। हासिल करने में, देखिए हासिल का तो वही शब्द आ गया, करने में, इस तरह से बनेगा। कोशिश, का सा का व्रत, सा का व्रत, कोशिश, डबलिंग हुआ है ना इसलिए। शांति का हमारा सिंबल है, ठीक है, तो कैसे लिखा, शांति, शांति पूर्ण, ये उपसर्ग प्रत्यय से लिया हमने। क्षमता, सकारात्मक, तो देखिए सा को रा की तरफ घुमाया और आत्मक के लिए ता का लगा दिया, सकारात्मक। इसके बाद वर्ड है हमारा सोलर एनर्जी, तो सा में ला का लगाया, सा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा को डबल किया, और ना में रा का हुक और जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इस शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 60 वर्ड्स पर मिनट, जब हम 60 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिगनर स्पीड से एक लेवल हाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन और देखते हैं कि आप इसमें कितना अच्छा अपनी तरफ से रिस्पांस दे सकते हैं, ओके। क्योंकि मैंने इस डिक्टेशन से रिलेटेड स्मार्ट आउटलाइन प्लस होल डिक्टेशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैक काउंटिंग के बाद स्टार्ट होगा, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोई भी, वैज्ञानिक प्रगति खुशी की वजह बनती है, लेकिन यदि किसी वैज्ञानिक कामयाबी को गोपनीय रखा जाए तो चिंता होना वाजिब है। ऐसी ही स्थिति दुनिया में अभी बनी हुई है, क्योंकि चीन ने गोपनीय तरीके से एक ऐसे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है जिसे लौटाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। कक्षा में यान स्थापित करने का चरण वह पूरा कर चुका है और एक निश्चित अवधि के बाद वह इस यान को चीन में ही किसी जगह उतारेगा। यह प्रयोग
अमेरिका भी कर चुका है। और चिंता की बात है कि अमेरिका ने भी अपने इस अभियान को गोपनीय रखा था। यह चीनी यान भी अमेरिकी यान बोइंग X-37B जैसा बताया जा रहा है। अमेरिका ने इसी साल 17 मई को बोइंग X-37B को अपने छठे अभियान पर भेजा है। दोबारा उपयोग के योग्य यान के निर्माण अभियान में यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी लगी है। अभी जो स्थिति है उसमें केवल अमेरिका ही इस तकनीकी में सफल है, लेकिन चीन के सफल होने के बाद यह होड़ तेज होने की आशंका है। अमेरिकी विशेषज्ञ भी चिंतित हैं क्योंकि चीन ने यह नहीं बताया है कि यह किस अभियान का हिस्सा है। हालांकि यह बात उजागर हो चुकी है कि यह विशेष अंतरिक्ष यान चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया है। यह यान पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लेकिन किस कार्य को अंजाम देगा यह केवल उसके मालिक देश को मालूम है। यदि केवल वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो इस तकनीकी में महारत हासिल करना हर उस देश के लिए जरूरी है जो अंतरिक्ष में यान या उपग्रह भेजने की क्षमता रखता है। अव्वल तो इस तकनीक से अंतरिक्ष यानों में होने वाली भारी व्यय में कमी आएगी। एक ही यान एक से अधिक या कई बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। अलग अलग मकसद से कुछ कुछ समय के लिए यान अंतरिक्ष में भेजना संभव होगा। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा में अपनी सेवा पूरी कर चुके अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों की भरमार नहीं होगी और अंतरिक्ष में कचरा भी कम तैयार होगा। इस तकनीकी में महारत हासिल करने में जुटे देशों को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तकनीकी के जरिए पृथ्वी की कक्षा से
कचरे की सफाई की जा सके। चीन ने इस यान के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात कही है, लेकिन उस पर यकीन ना करने की एकाधिक वजह हैं। हालांकि उससे यही उम्मीद रहेगी कि वह अपनी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करे। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप अगर आपने वर्ड्स को प्रॉपर प्रैक्टिस में लिया होगा तो डिक्टेशन आपकी प्रॉपर कंटिन्यू हुई होगी। कोशिश करें कि डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखें, जिससे कि कोई भी टफ वर्ड जिसमें कि आपका हाथ अटकता है आप उसको प्रॉपरली लिख पाएँ और उस पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर पाएँ। गाइज, कोई भी वर्ड किसी भी तरह से आप लिखें, जब आप रूल्स पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड्स का फॉर्मेट कोई भी हो, आप छोटा बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, कोई भी रूल अप्लाई करके बना रहे हो, बट वो वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। और बार बार मैं यही रिकॉल करूँगी कि वो शब्द आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, आप रूल चाहे कोई भी अपनाएं, शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए अगर ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन्स को शॉर्ट आउट कर पाएँ, प्लस PDF प्रूफ भी हम वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।